हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? रानी की रसोई में स्वागत है आप सबको। आज हम बताएंगे उपमा की रेसिपी कैसे बनाई जाती है, आप वो भी आसान विधि के साथ। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब गैस पे रख दी है कढ़ाई। अब कढ़ाई में डाल देंगे रिफाइन ऑयल। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम राई। देखिए मेरा तेल अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें डाल दे रहे हैं राई, जीरा डाल दे रहे हैं, ये गाजर है और ये शिमला मिर्च और ये बीन्स है। सबको बारीक से काट लिया मैंने। अब इसमें पहले डाल देंगे गाजर, आप प्याज भी डाल सकते हो, जो खाते हैं प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज हम नहीं डाल ले, सारा इसको कर लेते हैं। इसको भुनने देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट तक पकाना है इसको। देखिए सब्जी हमारी अब भुन चुकी है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं बादाम, मूंगफली भी आप डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो। अब इसमें डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी ज़रा सी, और इसमें कोई चीज़ मसाले नहीं ऐड करना। हरी मिर्च मैंने काट ली थी पहले, उसका थोड़ा 2 मिनट और बस भूनना है, उसके बाद इसमें पानी डालना है। अब इसमें पानी ऐड कर दे रहे हैं हम। करीब इसमें पानी होगा 3-3.5 गिलास पानी होगा, आप इतना सूजी के हिसाब से पानी डाल सकते हो उसमें। इसमें पानी का उबाला आ जाएगा तो फिर हम इसमें सूजी डाल देंगे। अब ये पानी में उबाला आ गया, अब इसमें हम सूजी डाल देंगे। करीब 1.5 कटोरी सूजी डाल दे रहे हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे सारा। देखिए ये सारा मिक्स कर लिए मैंने, और इसको थोड़ा 5 मिनट तक इसको भूनना है ऐसे। यही एक आसान सा प्रोसेस है उपमा बनाने का। नाश्ता ही बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। देखिए इसमें सारी सब्जियां पड़ी हैं और ये बहुत हेल्दी होता है खाने में। और इसको 5 मिनट और भूनना है, उसके बाद उसमें नींबू डाल देना है। देखिए 10 मिनट बाद इसको भून लिया मैंने 10 मिनट तक। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। देखिए अब इसमें नींबू डाल दे रहे हैं। नींबू डालने से इसका स्वाद एकदम बढ़िया हो जाता है, टेस्टी। धनिया डाल दे रहे हैं। देखिए उपमा की रेसिपी एकदम रेडी हो चुकी है, बनके रेडी हो चुकी है आसान विधि के साथ। आप इसको आसानी से बना सकते हैं झटपट, बहुत जल्दी नाश्ता बन जाता है। ये सेहत से भरपूर होता है, हेल्दी होता है, टेस्टी होता है। इसको नाश्ते में अच्छे से बना सकते हैं। से रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक लिए फ्रेंड्स मिलते हैं, बाय।